नमस्कार दोस्तों, आओ सीखे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं ये छोटी छोटी बूटी का खूबसूरत सा पैटर्न लेके आई हूँ, जिसे बनाना बहुत ही आसान है। और देखिए कितना खूबसूरत है, सामने से देखिए ये ऐसा दिखाई दे रहा है और पीछे से ऐसा। इसे आप किसी भी प्रोजेक्ट में डाल सकते हैं, जैसे जेंट्स स्वेटर में आप डालिए, हाफ स्वेटर में, फुल स्वेटर में, लेडीज कार्डिगन में, जैकेट में, कोटी में, बच्चों के स्वेटर में, कैप में, हैट में, किसी भी प्रोजेक्ट में इसे डालेंगे, ये सब में बहुत ही अच्छा लगेगा। और इसे बनाने के लिए हमें 6 के मल्टीपल फंदे चाहिए, 6 6 6 6 करके 6 के मल्टीपल फंदे, और 4 फंदा हम एक्स्ट्रा लेंगे तो डिज़ाइन अच्छी तरह सेट हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, हम डिज़ाइन बनाते हैं। डिज़ाइन सामने की तरफ से शुरू हो रहा है, तो यदि आपको अपने प्रोजेक्ट में फंदे बढ़ाने हो तो आप रॉन्ग साइड से फंदे बढ़ा लीजिएगा। तो ये डिज़ाइन का पहला लाइन है और सामने से, तो हम 4 फंदों को सीधा बुनेंगे। पहले फंदे को सीधा बुन लीजिए या फिर स्लिप कर लीजिए, मैं स्लिप करती हूँ, मैं स्लिप कर ले रही हूँ। और फिर 3 फंदे सीधे, तो ये 4 फंदे हो गए। अब ऊन अपनी ओर करेंगे और 2 फंदा उल्टा बुनेंगे। तो इन्हीं 6 फंदों को हमें पूरी सिलाई में दोहराना है। ऊन दूसरी ओर, 4 फंदा सीधा, ऊन अपनी ओर, 2 फंदा उल्टा। दूसरी डिजाइन हो गई, फिर 4 फंदा सीधा, ऊन अपनी ओर, 2 फंदा उल्टा। तो इन्हीं 6 फंदों को दोहराते हुए पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे। लास्ट में 4 फंदे बचेंगे, तो इन्हें हम सीधा बुन लेंगे। अब हम आ जाते हैं रॉन्ग साइड में, और ये डिज़ाइन का दूसरा लाइन है। तो 4 फंदा उल्टा, 2 3 4, फिर 2 फंदा सिलाई में 2 बार ऊन लपेटते हुए उल्टा बुनेंगे, 1 2। तो इन्हीं 6 फंदों को हमें पूरी लाइन में दोहराना है। 4 फंदा उल्टा, और 2 फंदा सिलाई में 2 बार ऊन लपेटते हुए उल्टा। देखिए जो फंदे हमने सामने की तरफ से उल्टे बुने थे, वो देखिए यहाँ पे हमें सीधे दिखाई दे रहे हैं, 2 फंदा सीधा। तो इन्हीं 2 फंदों में हमें सिलाई में 2 बार ऊन लपेटते हुए उल्टा बुनना है। दूसरा सीधा फंदा, इसमें सिलाई में 2 बार ऊन लपेटते हुए उल्टा बुन लेना है। और 4 फंदे उल्टे दिखाई दे रहे हैं, इन्हें उल्टा बुनना है। देखिए यहाँ पे 2 सीधे फंदे दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे हमें सिलाई में 2 बार ऊन लपेटते हुए उल्टा बुनना है। और लास्ट में 4 फंदे, इन्हें हम उल्टा बुनेंगे। तो इस तरह हमारा दूसरा लाइन कंप्लीट होता है। अब हम आ जाते हैं सामने की तरफ, और ये डिज़ाइन का तीसरा लाइन है। 2 फंदा हम सीधा बुन लेंगे, पहला फंदा स्लिप कर लेंगे, अगला फंदा सीधा। तो ये 2 फंदे हो गए। अब देखिए इन 3 फंदों को हमें बदलना है, तो क्या करेंगे, तीनों फंदों को ऐसे पकड़ के उतारिए और पहले 2 फंदे को बाईं सिलाई में ले लेंगे, तीसरे फंदे को ये लपेटा हुआ फंदा ऐसे खोलेंगे और ऐसे चढ़ा लेंगे, तो और इन तीनों फंदों को हम सीधा बुन लेंगे। अब देखिए नेक्स्ट 3 फंदे हैं, तो इन्हें हम उतारेंगे, पीछे के 2 फंदों को हम दाहिनी सिलाई में लेंगे और लपेटे हुए फंदे को बाईं सिलाई में लेंगे, और तीनों फंदों को हमें सीधा बुनना है। अब इस लपेटे फंदे को ऐसे सीधा कर लीजिए और इसे सीधा बुन लीजिए। देखिए इसी तरह ये सुंदर सुंदर पंखुड़ी की तरह बनता चला जाएगा। अब फिर नेक्स्ट 3 फंदे हम उतारेंगे, पहले 2 फंदे को हम बाईं सिलाई में लेंगे, लपेटे हुए फंदे को खोलेंगे, इसे ऐसे सीधा करेंगे और यूं ऐसे चढ़ाएंगे,
उसके बाद इन तीनों फंदों को हम सीधा बुन लेंगे। अब नेक्स्ट तीन फंदे हैं, इन्हें ऐसे उतारेंगे। लास्ट के दो फंदों को हम दाहिनी सिलाई में लेंगे, लपेटे हुए फंदे को खोलेंगे और इसे बाएं सिलाई में ले लेंगे। अब इन दोनों फंदों को भी बाएं सिलाई में ले लेंगे और तीनों फंदों को हमें सीधा बुनना है। लपेटे हुए फंदे को पलट दीजिए ताकि ये ऐसे सीधा आ जाए और फिर इसे हम सीधा बुन लेंगे। देखिए ऐसे खूबसूरत सा पैटर्न बनता चला जाएगा। तीन तीन फंदों को खोलना है और इनका जगह बदल देना है। ये लपेटे हुए फंदे दो फंदे के आगे या दो फंदे के पीछे चले जाएंगे। इसी तरह करके हमें पूरी लाइन कंप्लीट कर लेनी है। तो इस तरह ये तीसरा लाइन कंप्लीट होता है। अब हम आ जाते हैं रॉन्ग साइड में, और रॉन्ग साइड में चौथी लाइन में हम सभी फंदों को उल्टा बुन लेंगे। पांचवी लाइन और सामने से, अब इसमें थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। अब देखिए दो फंदे को हम सीधा बुनेंगे और अब इस फंदे को, जैसे ये जो पंखुड़ी बनी है, इस फंदे को, इस वाले फंदे को यानी तीसरे फंदे को हमें उल्टा बुनना है। अब फिर उन दूसरी ओर करेंगे और बीच के चार फंदे इन्हें हमें सीधा बुनना है। अपनी ओर अब देखिए ये जो दो फंदे हैं इन्हें हमें उल्टा बुनना है क्योंकि अब डिजाइन इसी पे बनेगा। तो ये तीन फंदों को छोड़ देंगे और फिर ये चार फंदा सीधा और दो फंदा उल्टा का पैटर्न शुरू हो जाएगा। चार फंदा सीधा और दो फंदा उल्टा। चार फंदा सीधा और दो फंदा उल्टा, जिस पर ये दोनों फंदे, लपेटे हुए फंदे जहाँ इकट्ठे हुए हैं, इन दो फंदों को हमें उल्टा बुनना है और बीच के चार फंदे इन्हें हमें सीधा बुनना है। ये लास्ट के तीन फंदे, अब देखिए यहाँ पे ये पंखुड़ी आई हुई है तो लपेटा हुआ फंदा है, तो इसे हम उल्टा बुनेंगे और लास्ट के दो फंदे इन्हें हम सीधा बुनेंगे। तो अब हम आ जाते हैं रॉन्ग साइड में और ये डिजाइन का छठा लाइन है। तो देखिए दो फंदा उल्टा, अब देखिए ये फंदा सीधा दिखाई दे रहा है यानी इससे हमें सिलाई में दो बार ऊन लपेटते हुए उल्टा बुनना है। फिर चार फंदे उल्टे, देखिए ये दो फंदे सीधे हैं यानी इन्हें सिलाई में दो बार ऊन लपेटते हुए उल्टा बुनना है। और चार फंदे इन्हें नॉर्मली उल्टा। अब देखिए दो फंदे सीधे आ गए तो यहाँ पे हमें सिलाई में दो बार ऊन लपेटते हुए उल्टा बुनना है और फिर चार फंदे उल्टे, यानी जहां जहां हमें सीधा फंदा दिखाई देगा उन फंदों को सिलाई में दो बार ऊन लपेटते हुए उल्टा बुनना है और शेष फंदों को नॉर्मली उल्टा। इस तरह हमारा छठा लाइन कंप्लीट हो जाएगा। फिर दो फंदे सीधे, इन्हें हमें दो बार लपेट के उल्टा बुनना है। अब ये डिज़ाइन का सातवां लाइन है और सामने से, तो ये मेन लाइन है, ध्यान दीजिएगा। दो फंदा सीधा, अब देखिए ये लपेटा हुआ फंदा आ गया। तो इन तीन फंदों को हम उतारेंगे, पीछे वाले दोनों फंदे दाहिनी सिलाई में लेंगे और लपेटा हुआ फंदा इसे हम बाएं सिलाई में लेके ऐसे खींच बाएं सिलाई में ले लेंगे। अब इन दोनों फंदों को भी हम बाएं सिलाई में चढ़ाएंगे, तीनों को हम सीधा बुन लेंगे। लपेटे हुए फंदे को ऐसे सीधा करेंगे और तब इसे हम सीधा बुनेंगे। अब नेक्स्ट दो तीन फंदों को ऐसे उतारेंगे
पहले दूसरे फंदे को बाएं सिलाई में लेंगे और लपेटे हुए फंदे को ऐसे सीधा करते हुए दाहिनी सिलाई से वापस बाएं सिलाई में चढ़ा देंगे। अब तीनों फंदों को सीधा बुन लेंगे। अब अगले तीन फंदे ऐसे उतारेंगे, पीछे वाले दो फंदे दाहिनी सिलाई में, लपेटे हुए फंदे को बाएं सिलाई में, फिर इन दोनों फंदों को भी वापस बाएं सिलाई में और तीनों को सीधा बुनेंगे। अब लपेटे हुए फंदे को ऐसे सीधा करेंगे और इसे हम तब सीधा बुनेंगे ताकि ये क्लीन आए। नेक्स्ट हमें यही पैटर्न दोहराना है। दो फंदों को बाएं सिलाई में, लपेटे हुए फंदे को खोलेंगे, इन्हें हम से सीधा करते हुए बाएं सिलाई में चढ़ाएंगे और तीनों को सीधा बुन लेंगे। नेक्स्ट तीन फंदे, दो फंदों को बाएं सिलाई में लेंगे, लपेटे हुए फंदे को खोलेंगे और इसे सीधा करते हुए बाएं सिलाई में ले लेंगे, फिर दाहिनी सिलाई वाला भी बाएं सिलाई में चढ़ाएंगे और तीनों को सीधा बुन लेंगे। इसी तरह करते हुए हम पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे। अब हम आ जाते हैं रॉन्ग साइड में और आठवीं लाइन में सभी फंदों को उल्टा बुन लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, छह फंदों का और आठ लाइन का रिपीटेड डिज़ाइन है और डिज़ाइन यहाँ समाप्त कंप्लीट होता है। तो फ्रेंड्स, सामने से ये ऐसा दिखाई दे रहा है और पीछे से ऐसा, तो आशा है आपको डिज़ाइन अच्छा लगा होगा। तो यदि आपको डिज़ाइन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।